अयोध्या में होने वाले भव्य राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई अपने स्तर पर सेवा भाव से कुछ न कुछ कर रहा है। वहीं राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाराणसी के नाविक समाज भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। वाराणसी के नाविक समाज के लोगों ने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में आने वाले राम भक्तों के लिए मुफ्त नाव सेवा देने का निर्णय लिया है। एक नाविक ने बताया कि हम 22 जनवरी के दिन सभी 84 घाटों पर राम भक्तों को मुफ्त में नाव की सेवा देंगे। 22 तारीख को राम लला का जो उद्घाटन है जो अयोध्या में होने वाला है उसके चलते हुए नाविक समाज बड़े खुश है और हमारे समाज के जो 80 से लेकर राजघाट तक जितने 84 घाट है सभी 84 घाटों में सुबह से लेकर शाम तक निःशुल्क नौका विहार कराया जाएगा और राम लक्ष्मण जी के सीता जी का झांकी भी निकलेगा जो राजघाट से शोभा यात्रा निकलेगी जो राजघाट से होते हुए 80 घाट जाएगी और बड़े धूमधाम से हम लोग मनाया जाएगा 22 तारीख का पर्व। जी पूरा बोट से झांकी निकलेगी और पूरे घाटों को होते हुए सभी घाटों को घुमाकर इसी घाट पर समापन होगा। कहा जाता है कि निषाद राज या निषाद समाज ही राम जी को गंगा पार कराया था, तो कितने आप लोग खुश हैं? और जी बहुत ज्यादा ही, जब से राम मंदिर का उद्घाटन का तारीख आया उसके बाद से नाविक समाज पूरे हमारे बनारस के जितने नाविक समाज है बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उसको लेकर हमारे समाज का एक मीटिंग हुआ जिसमें यह बताया गया कि उस दिन हम बिना निःशुल्क जितने यात्री आएंगे सबको गंगा स्नान कराएंगे, पूरा नौका विहार कराएंगे। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि हमारी नाव रात के 12 बजे तक मुफ्त में चलेगी और धूमधाम से गाने बाजे के साथ भगवान राम के आगमन का स्वागत करेंगे। 12 बजे तक हम लोग की नाव चलेगी फ्री में, उसके बाद हम लोग यहाँ से राजघाट जाएंगे, राजघाट से हम लोग अपनी रैली स्टार्ट करेंगे। कम से कम 400 से 500 नावें जो बाजा गाजा के साथ धूम मचाना गाना बचाना अपने खुशी का इजहार करेंगे क्योंकि भगवान राम का इतना बड़ा त्यौहार हमारे काशी में आ रहा है। कभी सपने में सोचे भी नहीं थे हम लोग कि इतना बड़ा काशी जो राम मंदिर वहाँ पर अयोध्या में हो रहा है, तो हम लोग भी काशी में एक इतिहास रचने वाले हैं कि हमारे काशी में नाम रोशन हो जाए, लोग जाने कि काशी में हमारे निषाद समाज के लोग रहते हैं। 84 घाटों के सब पे नाव सेवा मुफ्त करेंगे, पूरा रामनगर से लेकर आदिकेश्वर घाट तक जो मुख्य मुख्य घाट है जहाँ पे ज़्यादा आते हैं पर्यटन, उस घाट से वहाँ पे हम लोग अपने जो यात्री नाव बैठेंगे उनको चूड़ा मटर खिलाएंगे, उनको चाय पिलाएंगे, उनका भरपूर सेवा करेंगे। लखनऊ से आए पर्यटक चंदन मिश्रा ने बताया कि कैसे भगवान राम और नाविक समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है बहुत एक समाज की तरफ से एक बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है समाज को बाकी देश दुनिया में कि हाँ, जैसा कि हमने पुराण कथाओं में सुना है कि जब राम जी निकले और उन्हें वनवास के वक्त और उन्हें पार करना था नदी, तो निषाद समाज से ही थे जिन्होंने उन्हें नदी पार कराया और कहा जाता है कि उन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप मुझे यहाँ मैं आपको पार कराता हूँ, आप मुझे भवसागर पार कराइएगा। तो ये जो संबंध है भगवान का और निषाद समाज का या उस समाज के लोगों से, तो वही है जो आज भी चलता हुआ आ रहा है। तो आज जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, जब वहाँ पे उनको इतने सालों बाद इतने प्रयास के बाद 22 तारीख को उनको भगवान को उनका स्थान मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास और एक बहुत बढ़िया निर्णय है जो निषाद समाज की ओर से लिया गया। जी बिल्कुल, बनारस खुद में एक ऐसी नगरी है कि जहाँ आप आ जाते हैं तो बनारस आपके साथ हमेशा रहता है, तो आप जब आएंगे यहाँ पे 22 को भी हमें यहाँ आने का है हम लोग का। अयोध्या में तो हम लोग अभी नहीं जा सकते 22 को, लेकिन हमारा है कि बनारस आएंगे काशी में और जो उनकी तरफ से सेवा जो निःशुल्क की गई है उसका जी बिल्कुल उसका आनंद लिया जाएगा, महादेव की नगरी है तो उसका पूरा आनंद उठाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।